आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है। सरकार ने इसके लिए अगले 3 महीने में सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय और ग्राम पंचायत भवनों की स्थापना करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं सरकार के इस फैसले का उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के अध्यक्ष तुला राम शर्मा ने भी स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो मिनी सचिवालय की मांग की जाती रही है, हालांकि काफ़ी प्रयास के बाद सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन की जो बात थी उसको सुना, समझा। साथ ही सरकार का एक बड़ा फैसला है मिनी सचिवालय को लेकर। क्या कुछ वो पूरा फैसला है और आगे क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है, इस हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा, आइए उनसे जानते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संख्या में रह रहे ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर, चाहे वो असंगठित क्षेत्र के हों या वो ग्रामीण मजदूर हों या गरीब किसान मजदूर हों, उनके लिए हम एक लंबे समय से प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर मिनी सचिवालय की मांग करते आ रहे थे। जानना चाहूँगा कि कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा और लाभ मिलेगा तो क्या लाभ मिलेगा। मैं अगर डाटा तैयार होगा, वहाँ सहायक पंचायत में काम करने वाला सहायक नियुक्त होगा तो उससे ग्राम पंचायत स्तर पर सारी सुविधाएं ग्राम पंचायत सचिवालय के माध्यम से किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, ग्रामीण गरीबों की समस्या, दलितों की समस्या, जो भी भारत सरकार या राज्य सरकार की जो योजना जिस व्यक्ति के लिए आएगी चाहे, तो मेरा ये एक अनुमान है कि अगर हम ठोस नीति बनाए, मन से संकल्प लें सचिवालय के माध्यम से, प्रत्येक व्यक्ति हो जो जिसको योजनाओं की ज़रूरत है और अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचेगा, सरकार की योजनाएं क्रियान्वयन होंगी, तब हमारा प्रदेश विकास की ओर बढ़ेगा। काफ़ी मजदूर वर्ग ऐसा है जो शिक्षित नहीं है, साथ ही उनके पास अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, ऐसे में मिनी सचिवालय में अगर उनकी डेटा एंट्री होती है तो किस आधार पर की जाएगी, कौन से वो कागज़ हैं जो मजदूरों से मांगे जाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि अभी ये सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिवालय की स्थापना करने की घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही ग्राम पंचायत सचिवालय की स्थापना होगी, वहाँ डाटाबेस तैयार किया जाएगा। तो हमारा यानी हमारा जो अपनी सोच है, अब सरकार ने इसके लिए क्या गजट किया है, किस तरीके से लोगों तक इस योजना का लाभ पहुँचेगा, क्या क्या उसका क्राइटेरिया बनाया है। अगर किसी के पास में अगर आधार कार्ड भी नहीं है और अगर कहीं रजिस्ट्रेशन भी नहीं है तो वहाँ पर ग्राम प्रधान की नॉलेज में हर गांव का व्यक्ति होता है कि हमारे गांव में कब से रह रहा है और उसका जो है ग्राम प्रधान किस कोई उसको उसको पूरी जानकारी होती है। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत मेंबरों के माध्यम से लेते हैं, BDC मेंबरों के माध्यम से लेते हैं, जिला पंचायत मेंबरों के माध्यम से। आपकी मांग थी कि जो जिस तरह फैक्ट्री और कारखानों और जो निजी कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों को ESI की सुविधा मिलती है, ऐसी सुविधा जो गरीब मजदूर झाड़ी मजदूरों को भी मिले, उसके लिए आपका प्रयास था, तो अभी उस प्रयास की ओर में क्या कुछ चल रहा है। हमारा ये प्रयास है कि फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम करता है, तो अगर जो खेती में जो कृषि मजदूर काम करता है उस खेती में काम करने वाले मजदूर का भी ESI का लाभ मिले, बीमा हो, और जो मनरेगा में जो मजदूर काम कर रहा है, मनरेगा मजदूर को कम से कम 500 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी और 200 दिन काम मिले, और जो फैक्ट्री मजदूर हैं उनको नियमित रूप से काम मिले। के बीच में आपने देखा होगा कि फैक्ट्रियों में काफ़ी मजदूरों को काम देना बंद कर दिया था, तो मजदूरों की काफ़ी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हुई, कई परिवार भुखमरी के कगार पर पहुँचे। तो ऐसी स्थिति में फैक्ट्रियों में भी मजदूरों को, सभी मजदूरों को ESI PF आज की सुविधा मिलनी चाहिए, यही सुविधा मनरेगा मजदूरों को भी मिलनी चाहिए।
तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से मजदूरों की मांग उठाई है और आगे उठाते रहेंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से इनकी मांग थी मिनी सचिवालय ग्रामीण स्तर पर बनाने की, कहीं ना कहीं सरकार ने उसको अमली जामा पहना दिया है और जल्द ही ग्रामीण स्तर पर जो है जो सचिवालय खोले जाएंगे, जहाँ पर मजदूरों को एक पहचान मिलेगी, उनकी डेटा एंट्री होगी, साथ ही जो सरकारी योजनाएँ हैं उनका लाभ भी मजदूरों तक आसानी से पहुँच पाएगा। अपने साथी राजीव के साथ अनिल कुमार सिंह, सी न्यूज़ आगरा।